Today, we are going to discuss about the containers and closures used for parenteral products. कौन कौन से कंटेनर्स एंड उसके क्लोजर्स मीन्स उसके ऊपर जो बंद करते हैं और कंटेनर जिसमें हम पैरेंटल डोजेस फॉर्म को पैक करते हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे कंडीशंस होनी चाहिए कंटेनर और क्लोजर की पैरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए, कौन कौन सी होनी चाहिए। कंडीशंस फॉर अ कंटेनर एंड क्लोजर्स यूज फॉर पैरेंटल प्रोडक्ट्स आर, पहला कंडीशन ये होना चाहिए है कि शुड नॉट यील्ड फॉरेन सब्सटेंसेस टू द प्रोडक्ट। मींस जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिस कंटेनर के अंदर, तो वो जो हमारा कंटेनर है वो उसमें से कोई फॉरेन सब्सटेंस नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से कोई फॉरेन सब्सटेंस निकलेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट में जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट कंटेमिनेट होगा। नेक्स्ट कंडीशन है शुड बी सफिशियंट ट्रांसपेरेंट टू अलाउ विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द कंटेंट इन इट। मीन्स कैसा होना चाहिए, सफिशियंट ट्रांसपेरेंट, यहाँ कहने का मतलब प्योर ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, सफिशियंट इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हमें अंदर की चीज़ें उसमें अंदर के कंटेंट दिखाई पड़े। जैसे अम्बर कलर्ड होता है, फ्लटेड बॉटल्स होती हैं। शुड नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट। जो भी कंटेनर होना चाहिए उसका क्या करें, प्रोडक्ट उसके अंदर है तो कंटेनर के जो मटेरियल है उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किस पे, प्रोडक्ट पे। शुड प्रिवेंट डिफ्यूजन इन और अक्रॉस दी सेल्स। डिफ्यूजन मीन्स सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जाना, या वॉल से इधर उधर कोई चीज़ ट्रांसफर होना। तो जो भी हमारा कंटेनर ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर या बाहर से, मतलब बाहर से अंदर कोई चीज़, कोई भी सब्सटेंस मतलब उसे क्रॉस ना हो सके। तो ये थी हमारी कंडीशंस कंटेनर्स और क्लोजर्स के लिए। वैसे जो कंटेनर्स यूज़ होते हैं हमारे पैरेंटल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, मेनली प्लास्टिक या ग्लास मटेरियल होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ ग्लासेस, यहाँ पे हम ग्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस किस टाइप के कंटेनर्स यूज़ होते हैं ग्लास में। तो ग्लासेस, थ्री टाइप्स की ग्लासेस यूज होती हैं, टाइप वन ग्लास, टाइप टू ग्लास एंड टाइप थ्री ग्लास। टाइप वन ग्लास होता है उसे हम बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं या न्यूट्रल ग्लास भी कहते हैं। और ये क्या हो सकता है, इट कैन विदस्टैंड ऑटोक्लेविंग एंड वेदरिंग। मीन्स ऑटोक्लेव करते हैं किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को स्टरलाइज करने के लिए, तो ऑटोक्लेव के जो टेम्परेचर के साथ क्या करें, ये स्टेबल बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप टू ग्लास। टाइप टू ग्लास को हम सोडा सिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास भी कहते हैं। द कंटेनर्स मेड फ्रॉम दिस ग्लास आर सुटेबल फॉर मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशंस। नेक्स्ट हमारा ग्लास है टाइप थ्री ग्लास, इसे भी हम सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास भी कह सकते हैं। द कंटेनर्स मेड फ्रॉम दिस ग्लास आर जनरली सुटेबल फॉर नॉन एक्वस प्रिपरेशंस एंड पाउडर्स फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन इमेडिएटली प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन। आपने कुछ पैरेंटल प्रोडक्ट्स देखे होंगे कि पाउडर फॉर्म में आते हैं, पाउडर फॉर्म में आने उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम सफिशियंट जो भी कंडीशंस दी होती हैं, स्टराइल वाटर एक अलग से दिया होता है, उसमें क्या करते हैं हम उसको डल्यूट करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस टाइप के जो ग्लास होते हैं उसमें मेनली हम पाउडर्स, जो पैरेंटल प्रोडक्ट्स के जो पाउडर्स फॉर्म में जो ड्रग आती है उसके लिए यूज करते हैं टाइप थ्री ग्लास। So this was all about containers and closures used for parenteral products. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon.